हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो डॉक्टर विकास देवकीर्ति जी ने कहा है, जो उन्होंने कोट किया है वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस लेके और रामचरितमानस का रेफरेंस लेके, राम का और सीता का जो मतलब जो उनके बीच में डायलॉग हुआ था उस पर जो कंट्रोवर्सी, उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, हर्म्यूनेटिक्स ये ब्रांच होती है थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। अब जो भी कुछ लिखा जाता है उसकी एक लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन दिए जा सकते हैं शब्दों के। हर एक शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, हर शब्द का अर्थ है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा नाम पीयूष है, आपको पता है, तो पीयूष माने अमृत भी होता है, तो क्या अमृत आपसे बात कर रहा है? तो इंटरप्रिटेशन अपने हाथ में होती है, इंटरप्रिटेशन एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। लैंग्वेज की लिमिटेशन यह है कि हम लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ सकते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसके मल्टीपल मीनिंग्स भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी में कभी मत फंसो, अगर लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी में फंस गए ना तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप देखो ना, पीयूष अमृत कौन है, किससे बात कर रहे हो? इसी तरीके से अब आप देखो, फैलस बोलते हैं शिवलिंग को, भाई लिंग माने रूप भी होता है, लिंग माने पीनस थोड़ी होता है, लेकिन वो फैलस लेके चलते हैं, तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो गए। अब वो फैलस की शेप थोड़ी है भाई, वो इलिप्सॉइड है, जो आप शिवलिंग देखोगे उसकी जो शेप है वो इलिप्सॉइड है, वो फैलस कहाँ से हो गई? इसी तरीके से योनि माने कैटेगरी, ठीक है, योनि जो होती है वो कैटेगरी होती है, कौन सी योनि में गए क्या गए। अब योनि का मल्टीपल मीनिंग ले लिया उन्होंने कि फैलस जो है वो योनि में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो इंटरप्रिटेशन देते हैं ना, वो ऐसी इंटरप्रिटेशन जनरल जो दी जाती है, वो ऐसी दी जाती है जिससे कि जो है वो आप कन्फ्यूज हो जाओ। ये लैंग्वेज की जो है एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। देखो, लैंग्वेज कोई बहुत ऐसी सक्षम चीज़ नहीं है कि आप जो है इससे सब कुछ कर सकते हो ना, लिमिटेड चीज़ है ये, हमारे कम्युनिकेशन का मीडियम है बस। लैंग्वेज से कभी सत्य नहीं प्राप्त होता है, ना किसी चीज़ को लिखने से सत्य प्राप्त होता है, ठीक है। सत्य लैंग्वेज के परे है, सत्य इंद्रियों के जो है वो ऊपर है, वो इंद्रियों के अधीन नहीं है। तो देखो, मैंने बताया आपको योनि का मिस इंटरप्रिटेशन, फैलस का इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक शब्द के दो मीनिंग तो होते ही हैं भाई, मिनिमम दो मीनिंग तो होंगे ही होंगे, ठीक है। शब्द का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, शब्द का अर्थ होता है, और अर्थ उस शब्द से जो है वो पूर्णतः भिन्न होता है, अगर आप देखो तो, ठीक है। पीयूष माने अमृत, कोई भी आप शब्द ले लो उसका जो अर्थ होगा वो बिल्कुल उस शब्द से अलग होगा, और मल्टीपल अर्थ होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये हर्मोनेटिक्स का यूज़ जो है हम करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ, मतलब कैसे करी जाती है, तो लैंग्वेज की ये लिमिटेशन है। तो इसमें जो कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है, लैंग्वेज का तो आप बस पढ़ो उसको और बस ठीक है, बस उसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो परम सत्य नहीं है, ये आप ध्यान रखो। भाषा को हमने परम सत्य मान लिया है तो वो भाषा जो है परम सत्य नहीं होती है। तो ये चीज़ है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सही है, गलत है, ठीक भी है, गलत भी नहीं है। तो मिस इंटरप्रिटेशन दे दिया, ड्यूअल इंटरप्रिटेशन दे दिया। अब ड्यूअल इंटरप्रिटेशन तो दोगे ही ना, जब लैंग्वेज की प्रॉपर्टी यही है ड्यूअल इंटरप्रिटेशन देने की, तो ड्यूअल इंटरप्रिटेशन तो आसानी से दिया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ है, आप लैंग्वेज के कोई भी वर्ड ले लो उसके आप मल्टीपल मीनिंग निकाल सकते हो, अच्छे बुरे बहुत आसान है निकालना, मिसगाइड होना, मिसगाइड करना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ रहती है, और जो कमेंट्री लोग लिखते हैं बुक वगैरह पे, उसमें वो अपना लगा देते हैं खुद का इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो उनकी वो सब्जेक्टिविटी होती है। देखो, कमेंट्री लिखना, बुक लिखना, किसी की स्टोरी राइटिंग लिखना, कुछ भी लिखना, उन सब में जो अप्रोच होती है वो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, व्यक्ति आधारित अप्रोच होती है उसमें, वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, फिजिक्स के रूल नहीं है, बायोलॉजी के रूल नहीं है, वो सब्जेक्टिव, वो व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं, तो उसमें फ्लॉ हो सकता है और होता भी है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, और लिखने वाला अपने आप में जो है वो लैंग्वेज के नियमों के अधीन ही काम करेगा, ठीक है। उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे लेते हैं इस बात पर जो है वो ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, तो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी में मत फंसो, लैंग्वेज को परम सत्य मत मानो, जो लिखा हुआ है वो केवल आपके असत्य को मिटाने के लिए है, वो सत्य नहीं है, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन, कुतर्क वितर्क, सतर्क जो भी आप करो वो करो, टाइम पास की चीज़ें हैं, बट जो बेसिक था लैंग्वेज की लिमिटेशन के बारे में वो मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।